Yes, students, good morning. Yesterday we have discussed about the numerical of application of Poisson's law. हमने एक numerical किया था, वो simple सा था, उसमें कोई change नहीं करना था. अब जो हम दूसरा numerical करने जा रहे हैं, इस पे कुछ सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा सा. The molar conductivities of NaOH, NaCl and BaCl2 at infinite dilution are these. Given है. मोलर कंडक्टिविटी हमें बी ए ओ एच के होल ट्वाइस का पता लगाना है. ठीक है, तो बेटा हम पहले क्या लिखेंगे, जो हमारा मेथड है, जो हमने स्टार्ट किया था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी है, एनएओएच की. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एनए पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव. हमने इसको कटायन और एनायन में डिसोसिएट कर दिया है. That is equal to इसको तो that is equal to 2.48 into 10 to the power minus ये. इसी तरीके से हम molar conductivity at infinite dilution किसका पता कर सकते हैं, NaCl. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. हम इनको डिसोसिएट कर सकते हैं, NaCl को भी हमने क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया. और ये क्या है, दैट इज इक्वल टू 1.265 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2. फिर हमने दे रखा है BaCl2 बेटा, हम इसको क्या आसानी से डिसोसिएट कर सकते हैं, कटायन और अनायन में. That is Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. लेकिन बेटा Cl2 है तो हम इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. और इसका हमें गिवन है 2.800 into 10 to the power minus. अब हम लिखेंगे जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, BaOH2. तो इसका डिसोसिएशन होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अब OH कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और हमें इसका क्या करना है, पता करना है. हम ये इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ये सेकंड, और ये हो गया थर्ड. तो बेटा अब आप देखो, हमें ये पता करना है, हम तीन इक्वेशंस का यूज करके हमें ये निकालना है. तो पहला चाहिए Ba2 पॉजिटिव, तो Ba2 पॉजिटिव है इसके अंदर. फिर हमें चाहिए OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसमें है. लेकिन बेटा OH नेगेटिव कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो ये 1 है. तो इस इक्वेशन को हम पहले पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कर दिया हमने. अब इस पूरे को ऐड करेंगे तो Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस 2Na पॉजिटिव 2OH नेगेटिव. और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा क्या मिला हमें, हमें 2Cl नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव, ये हमें एक्स्ट्रा मिला है. तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम माइनस कर देंगे. लेकिन Na पॉजिटिव 1 है, Cl नेगेटिव 1 है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आपको क्या करना है, देखो पूरा रिजल्ट क्या हुआ, ऐड थर्ड एंड फर्स्ट. लेकिन फर्स्ट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड में ऐड कर दो, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस कर दो. तो ये हमारा आंसर होगा. ठीक है बेटा, क्या करना है हमें, Ba2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव चाहिए. Ba2 पॉजिटिव तो है, OH नेगेटिव इसमें है, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो इस इक्वेशन को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. फिर हमारे पास एक्स्ट्रा क्या मिला, 2Cl नेगेटिव एंड 2Na पॉजिटिव. तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए सेकंड को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो सम आया उसमें से माइनस कर देंगे. दैट विल बी आवर आंसर्स. बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड एप्लीकेशन. वो तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी पॉइसन लॉ की, क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ वीक
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कितने एक्सटेंट में कोई रिएक्टेंट टूटा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा इस रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन हमें गिवन मिलेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या तो गिवन होगी या हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने पिछले दो न्यूमेरिकल्स में किया था। ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला है। अब बेटा इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी कंसंट्रेशन आपको मोलैरिटी किसी भी उसमें मिलेगी, कंसंट्रेशन गिवन होगी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो आपको पता है या आप क्या करोगे इस तरीके से कैलकुलेट करके वैल्यू पुट अप कर दोगे और इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हो चुकी है हमारी। फोर्थ एप्लीकेशन क्या होगी, फाइंड आउट सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट। स्पेरिंगली का मतलब जो बहुत कम सोल्युबल साल्ट है, very less soluble. तो कैसे पता करते हैं, हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इनटू में 1000 अपॉन मोलारिटी, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट है मतलब वेरी लेस सोल्युबल है। तो उसकी जो सोल्युबल जितना साल्ट डिजोल्व होगा वो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन। तो मोलारिटी उस केस में और सोल्युबिलिटी सेम थिंग होगी, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू में 1000 अपॉन सोल्युबिलिटी। और अगर हमें सोल्युबिलिटी पता करनी है तो हम क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी इधर ले लेंगे, तो सोल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी, ये इधर चला गया ये इधर चला गया। इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ वेरी लेस सोल्युबल साल्ट। दीज आर द फोर एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोस लॉ। तो बेटा अभी तक हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी कोलरोस लॉ की, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम न्यू टॉपिक पे मूव करते हैं। सीबीएसई में कई बार ऐसा हुआ है कोलरोस लॉ पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं और ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, जैसे कि आपने देखा वी हैव टू पुट अप ओनली द वैल्यूज एंड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको ये न्यूमेरिकल्स कम समझ में आए हो, तो आप मैसेज लें जरूर डालें, आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम न्यू टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज गैल्वेनिक। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल जो है इसके बेटा तीन पार्ट होते हैं, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। पहला है ऑक्सीडेशन हॉल, दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और तीसरा जो है वो हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज। दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म ए गैल्वेनिक सेल।
फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन हाफ साइड। बेटा अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अगर इस तरीके से मान लो कोई वैसल ले लेते हैं, एक बीकर ले लिया, उसमें हमने ये साल्ट सॉल्यूशन ले लिया। साल्ट सॉल्यूशन किसका लिया? उस मेटल का लिया जिसकी रोड हमने इसके अंदर डिप की है। ये मेटल एम है, यहाँ मेटल आयन का सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का आपको पता है, ऑक्सीडेशन मैंने एक बार आपको पहले भी समझाया था, फिर से मैं बता देता हूं। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम क्या कहेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर गेन करता है तो उसकी हम क्या कहेंगे, उसकी रिडक्शन हो गई। ये ऑक्सीडेशन है, और मैं बात करता हूं आपको रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें इस पे ध्यान देना है, ये मेटल है, ये जब अपने साल्ट के सॉल्यूशन में आएगा, जो मेटल है उसी का साल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये इसमें आएगा, तो बेटा इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? मेटल प्लस एम। अगर कोई मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या करेगा, एम प्लस एन, और एन इलेक्ट्रॉन ही वो लूज करता है। तो इसका मतलब अब इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। कैसे हुई ऑक्सीडेशन? बिकॉज इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लॉस किया, हमने वायर कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ वायर के थ्रू चला जाएगा, लेकिन ये जो है ये डिसोसिएट होकर इस सॉल्यूशन में आएगा। यहां मेटल था, मेटल इज कन्वर्टिंग इन मेटल आयन, ये इस तरीके से। अब बेटा एक चीज आप समझना, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है इस मेटल की, बिकॉज दिस मेटल इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का, कि इस पे मेटल है और इधर मेटल आयन है, तो इसके कंपैरिजन में, इस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में, इस मेटल के कंपैरिजन में इधर ज्यादा चार्ज है, यहाँ मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज है, मोर पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पोटेंशियल, देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंस बिटवीन द चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्ज डिफरेंस हेयर क्रिएट्स ए पोटेंशियल। तो मैं यहाँ कहूंगा कि उस पोटेंशियल को मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर ई है बेटा। इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन में डिफरेंस आया है चार्ज का, मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव, तो इनके अंदर अब क्या हो गया, एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। उस पोटेंशियल को हमने किस से रिप्रेजेंट कर दिया, ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, बिकॉज दिस मेटल इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल आयन, हमने ऐसे लिख दिया, दिस मेटल इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल आयन। बीच में हमने ये लगाया है, इसका क्या मतलब है, इट इज द फेज डिफरेंस। ये किस लिए लगाया बेटा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। ये जो इलेक्ट्रोड है आपके पास, ये सॉलिड है, ये जो है आयनिक फॉर्म है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो सॉलिड है और लिक्विड है, तो ये जो फेज का डिफरेंस है कि सॉलिड और लिक्विड, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने बीच में ये स्लाइड लगाया है, ये डंडा लगाया है। अब बेटा इस चीज को आप और देखोगे कि EM is converting EM plus N में, तो इसमें आपको क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम दिया, क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हमने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। अगर रिडक्शन होती तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहीं पर मैं एक चीज और पता करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर यही इलेक्ट्रोड हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में रखी, तो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी कि भाई वन मोलर सॉल्यूशन है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये 298 केल्विन हम कह सकते हैं,
उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, और उसको रिप्रेजेंट हम E के ऊपर नोट लगा दे, E नोट M M प्लस N, तो इसको हम बोलेंगे SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब इसका मतलब समझाता हूं, उसी तरीके से हमने भी कर लिया, एक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोड ली, वायर से कनेक्ट कर दिया। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमने वायर कनेक्ट किया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करा दिए, ये मेटल आयन था यहाँ पर M प्लस N है। अब बेटा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, आप देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज, सो हियर डेवलप्स नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। ये जो M प्लस N आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इसके ऊपर डिपोजिट हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, रिएक्शन कौन सी टेक्स प्लेस करेगी, M प्लस N प्लस N इलेक्ट्रॉन, और किसमें, N सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये मेटल आयन है, ये मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। दीज आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम डिस्चार्ज एंड डिपोजिट्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें हम वही चीज यूज करेंगे जो हमने उसमें बताया था, क्योंकि यहाँ फिर से चार्ज का डिफरेंस आ रहा है तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको हम E कहेंगे। अब E में देखना बेटा, M plus N is converting into M, M plus N is converting into N, हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्योंकि ये रिडक्शन हो रही है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से हम मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया, 1 बार प्रेशर ले लिया और 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेंपरेचर ले लिया, तो उस केस में हम इसको E नॉट M प्लस N M लिख देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, जबकि वो क्या था, SOP। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना, ये बीच में जो हमने लगाया है इट इज अगेन ए फेज डिफरेंस। अब बेटा आपके पास आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इफ क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वी विल से टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। हमने गैल्वेनिक सेल को बताया कि इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल और तीसरा है साल्ट ब्रिज। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बढ़ा दिया, रिडक्शन हाफ सेल बढ़ा दिया, अब मैं आपको साल्ट ब्रिज के बारे में बता रहा हूं। थर्ड वन इज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, इस तरह की ग्लास ट्यूब होती है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ए यू शेप U-shaped glass tube. बेटा salt ब्रिज क्या है, कि U-shaped glass tube है, which is filled with a inert electrolyte, KCl, KNO3, in agar-agar paste. Agar-agar paste की बात करें, तो एक ये viscous solution होता है,
एक जेल टाइप का होता है जिसके अंदर हम केसीएल वगैरह को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप समझते हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है, वो हम लेते हैं, चाहे केसीएल ले ले हम चाहे केएनओ3 ले सकते हैं इसके अंदर। तो इसका फंक्शन क्या है, साल्ट ब्रिज का फंक्शन, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अब मान लो हमने ये दो बीकर लिए हैं, दो सॉल्यूशन हमने ले लिए इसके अंदर, दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए हमने, हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों सॉल्यूशन तो जैसे दोनों इलेक्ट्रोड्स तो कनेक्ट हो गए, लेकिन दो सॉल्यूशन हैं वो हमारे पास कनेक्ट अभी से नहीं हुए हैं, अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं लेते हैं तो उस केस में दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए हमें साल्ट ब्रिज लेना पड़ेगा। बेटा देखो इन मेटल में से तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, हमने बताया था आपको, लेकिन जो सॉल्यूशंस में से जो आयंस का ट्रांसफर होगा वो केवल किससे हो सकता है, साल्ट ब्रिज से हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो आयंस ट्रांसफर करेंगे, आयंस ट्रांसफर करने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, साल्ट ब्रिज की पड़ेगी। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मान लो हमने ये साल्ट ब्रिज ना लेते हुए एक सिंपल ग्लास ट्यूब ली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा समझना इस चीज को, हमने साल्ट ब्रिज को ना लेते हुए हमने सिंपल ग्लास ट्यूब ले लिया, सिंपल ग्लास ट्यूब ले लिया, तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, इनमें से लिक्विड इसका इधर चला जाएगा, मान लो एक नेगेटिवली गया एक से पॉजिटिवली गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा एक जंक्शन क्रिएट हो गया। अब हमने आप देखना साल्ट ब्रिज नहीं लिया, हमने सिंपल ग्लास ट्यूब ली है, तो उसकी वजह से लिक्विड इधर फ्लो कर गया, इसका लिक्विड यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जंक्शन हो गया, इसको हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एंड इट इज हार्मफुल फॉर द सेल, ये सेल के लिए बेटा हार्मफुल होता है, ये इसका जो पोटेंशियल है वो अपोजिट में वर्क करता है, जैसे मान लो 6 वोल्ट कहूं मैं इस सेल का पोटेंशियल है, तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, ये है 2 वोल्ट, तो 6 होना चाहिए टोटल, ये 2 माइनस कर देगा और हमारे पास 4 वोल्ट बचेगा, जो कि क्या है हार्मफुल है, जो टोटल पोटेंशियल हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या कहेंगे इस केस में कि अगर हम साल्ट ब्रिज ना लें और सिंपल ग्लास ट्यूब ले लें। दूसरा उस केस में बेटा आप ये देखो कि अगर हम इसमें कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो ये यहाँ से सारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इस केस में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने साल्ट ब्रिज लिया है इस पे हमने कॉटन वूल लिया है, यहाँ पर हम एक तरह से आप ये समझो फिल्टर पेपर बांध रखा हमने ताकि सॉल्यूशन सारा नीचे की तरफ ना गिरे, हम केवल आयंस का ट्रांसफर इस केस में कराएंगे। तो एक तो इसका फंक्शन क्या हुआ है, It completes the circuit without mixing two solutions. Two solutions को mix किए बिना ही क्या करता है? इनको circuit को complete कर रहा है. First one completes the circuit. It completes the circuit. दूसरा क्या है? It maintains neutrality of two solutions. It maintains neutrality of two solutions. देखिए बेटा ये क्या होता है, अब आप देखना ये दो solutions की neutrality कैसे maintain करता है, कि अगर मान लो ये यहाँ पर हमारे पास कोई भी M2 positive ion है, तो ये metal भी टूट टूट के यहाँ पर M2 positive ion इसके अंदर भेज रहा है, तो हम इसके ऊपर positive charge क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां से नेगेटिव इधर जा रहा है, आपको हमने बताया था यहाँ पर कि नेगेटिव यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ हम पर क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं कोई भी मेटल 2 पॉजिटिव लूं तो वो 2 पॉजिटिव आयन यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर कैसे चार्ज बच गया, यहाँ पर नेगेटिव बच गया, यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो न्यूट्रल नहीं है, उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने किसका यूज किया है, साल्ट ब्रिज का। तो आपको ये चीजें याद रखनी है,
आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ शॉर्ट ब्रिज, यू विल से इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ टू सॉल्यूशंस एंड इट कंप्लीट द सर्किट विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। तीसरी चीज मैं इसमें एक जो बता रहा हूं कि इसके अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने फिलअप किया है वो हमने KCl ही क्यों लिया है, वो हमने इसलिए लिया है कि जैसे हमारे पास K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, या KNO3 है, मेनली हम वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिनके आयंस की स्पीड लगभग सेम हो, फास्ट हो, ताकि वो फास्टली काम करे, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स का हम यूज करते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं गैल्वेनिक सेल का, डैनियल सेल। अब हम बात करेंगे डैनियल सेल की। डैनियल सेल, अब बेटा हमने गैल्वेनिक सेल की तीन चीजें बताई थी, एक तो ऑक्सीडेशन था, तो डैनियल सेल के अंदर हम क्या लेते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड वहां रखेंगे जहां जिंक का सॉल्यूशन है, कॉपर इलेक्ट्रोड वहां रखेंगे जहां कॉपर का सॉल्यूशन है। दूसरा, हम उस इलेक्ट्रोड को जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको उधर रखेंगे जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, वो इलेक्ट्रोड जो कम रिएक्टिव है उसको वहां रखेंगे जहां रिडक्शन हो रही है, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब देखो हमने तीन फंक्शन, तीन इसके कंपोनेंट्स लिए थे, उन तीनों का यूज कर रहा हूं मैं। मैंने पहला आपको बताया था ऑक्सीडेशन हाफ, तो हमने क्या ले लिया, एक ये इस तरीके से एक वेसल ले लिया, वो इलेक्ट्रोड ले ली जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो सॉल्यूशन ले लिया। जैसे डैनियल सेल जिंक और कॉपर से बनी है, तो हमने यहां पर जिंक सल्फेट ले लिया, ये जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली। दूसरी तरफ बेटा हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन हाफ लेंगे जिसका हमने जिक्र किया था, तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड ले ली हमने जिसकी रिडक्शन होनी है। डैनियल सेल में कॉपर होता है, तो हम कॉपर सल्फेट इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया, और इस कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव होगा, ये जिंक सल्फेट है तो Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव होगा। हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, तीसरा कंपोनेंट हमने बताया था साल्ट ब्रिज का, तो हमने अब साल्ट ब्रिज को बेटा इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, हमने यहां पर लिख दिया साल्ट ब्रिज। अब देखना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमने पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कि कटायन गोज टू कैथोड, तो कैथोड पे नेगेटिव है और एनोड पे पॉजिटिव है। चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं टर्मिनल की बात। तो ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, जबकि ये जो पॉजिटिव है, तो ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आप क्या कहोगे कि भाई इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड है ये, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये कैथोड है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो अब ऑक्सीडेशन होगी तो इसके जिंक का आयन टूट टूट के इसमें आएंगे, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, मींस ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं इसने, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाएंगे, तो इधर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उसी तरीके से जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होती है, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड दीज आर कन्वर्टिंग इनटू Cu सॉलिड, आयंस आर कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, मींस इस पे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है और इसमें से जिंक टूट-टूट के इसके अंदर आता जा रहा है। यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि एज टाइम पासिस कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इंक्रीजेस and concentration of Cu2 positive decreases, क्योंकि copper बेटर यहाँ deposit होता जा रहा था, solution में copper की कमी आ गई, तो हम कह सकते हैं copper ion की concentration decrease हो रही है, इसमें zinc 2 टूट के इसमें आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, zinc 2 positive ion की concentration increase हो रही है, तो इसकी concentration बढ़ रही है, इसकी concentration घट रही है। As time passes, weight of copper rod increases.
आप समझो इस चीज को, कॉपर इस पे डिपॉजिट होता जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस व्हाइल वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। अब इसके बाद बेटा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है एंड रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ रिडक्शन, हमने आपको बताया था व्हेन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ कंबाइंस इट फॉर्म्स रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इधर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो करेगी। Electrons are flowing from anode to cathode while current is flowing from cathode to anode. अब मैं आपको ये चार्ज जो बता रहा हूँ, टर्मिनल बता रहा हूँ, ये कैसे हुए, ये एक सेल बन गया है, ये वो सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब मान लो हमारे पास ये बैटरी है, ये सेल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर इलेक्ट्रिसिटी है। आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो हमने बताए हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं, इस चीज को आपको माइंड में रखना है। अब साल्ट ब्रिज का वर्क हो रहा है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है, अब एक चीज और देखो पहले कि हम कैसे याद रखेंगे, इधर एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं कि LOAN, L रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट, O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन, A रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड और N रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज। ये याद रखने का तरीका है, लेफ्ट जो होगा वो उधर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड होगा और उस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये चीज भी आप याद रख सकते हो कि एनोड A एक बॉल से शुरू होता है, ऑक्सीडेशन O एक बॉल से शुरू होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, दोनों बॉल हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। मैं आपको दूसरी इस तरीके से, जैसे यहां तो हमने LOAN लिखा था लोन, यहां क्या लिखेंगे हम, RRCP, R का मतलब राइट है, राइट में क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, और बेटा पी का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये याद रखने का तरीका है आपको। तो अब ये वर्क कैसे करती है वो चीजें मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूं कि पहला है ऑक्सीडेशन होगी कहां पे, एनोड पे, कैसे होगी, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, रिडक्शन होगी, और रिडक्शन कहां होगी, कैथोड पे होगी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। तो यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां रिडक्शन, यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आप देखो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल एंड जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। साल्ट ब्रिज का वर्क मैं तुम्हें बता ही रहा हूं कि क्या हुआ कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन इधर आ गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, Cu2 पॉजिटिव यहाँ चले गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इन चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास हमने क्या लिया है, KCl लिया है, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव ज्यादा है उधर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरह से इनकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो इट इज द फंक्शन, इट इज द वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। Students, now we will discuss about the representation of Daniell cell. The galvanic
हमारे पास आने पड़ा जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक टू पॉजिटिव आयन, व्हाइल कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर। जिंक की बेटा हो रही है ऑक्सीडेशन, तो हम इसको ऑक्सीडेशन हाफ बोलेंगे। कॉपर टू पॉजिटिव की क्या हो रही है रिडक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे रिडक्शन हाफ बोलेंगे। तो अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सेल को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे जिंक, जिंक टू पॉजिटिव सी वन, कॉपर टू पॉजिटिव एंड कॉपर, ये चीज है हमारे पास। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो लिखा है, फिर जिसकी रिडक्शन हुई है हमने उसको लिखा है। तो इस तरह से हम एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले उसको लिखेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हाफ पहले लिख देंगे, रिडक्शन हाफ बाद में लिख देंगे। इसके बाद बेटा जो काम की चीज है कि हमारे पास जो डबल लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो डबल लाइन रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज, ये बेटा सॉल्ट ब्रिज का काम कर रही है डबल लाइन है वो, एंड सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स फेज बाउंड्री। अब फेज बाउंड्री हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फेज बाउंड्री का मतलब है कि जैसे जिंक तो सॉलिड है और जिंक आयन है वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, तो फेज डिफरेंस एक सॉलिड में है और एक लिक्विड में है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंगल लाइन दिया है और बीच में हमने क्या रख दिया, ये साल्ट ब्रिज रख दिया। सो स्टूडेंट्स इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, टेनियल सेल हम कह सकते हैं, ध्यान से पढ़ना है, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कल और परसों मतलब अगले दो तीन दिन में जो वर्क होगा वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीन टाइप के हम न्यूमेरिकल करेंगे सीबीएसई में, उनपे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, बहुत ज्यादा बार आया है और लगभग आता रहता है, तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको होमवर्क